मैं मुंबई से हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा ये मैंगोज अच्छे कैसे रहते हैं, कुछ सड़े रहते हैं वो कैसे पहचानना है। तो आज मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये देखो जो मैंगोज का थोड़ा ऐसा दबता है वो इधर सड़ा हुआ रहता है थोड़ा सा, और जो नहीं दबता है वो उसको तो आप कट करके थोड़ा सा ले सकते हो। और ये जो है वो थोड़ा सा इधर ऐसे दब गए, कुछ से ब्रांच लग गई है ट्रक में ट्रांसपोर्ट होते समय, कुछ तो पत्रा वगैरह लग गया है, तो आप इसको कट करके ले सकते हैं। और मैं अभी आपको अच्छे मैंगो कैसे पहचानना है वो दिखाऊंगा। तो अच्छे मैंगो पहचानना है जो इधर डेट के इधर येलोइश रहते या रेडिश, और जो पिके हुए मैंगोज है ना जो पिकने आए हैं मतलब वो ऐसे रहेंगे, और जो कच्चे हैं उनके इधर थोड़ा सा ऐसा खड्डा रहेगा बीच में, ऐसा थोड़ा सा मतलब ये इधर खड्डा रहेगा ऐसा, और जो पिकने को आए वो ऐसे भरे रहेंगे फ्लैश से। और एकदम पिके हुए मैंगो और अच्छे मैंगो कैसे पहचानने, अगर आपने ये हाथ में लिया तो ये कहाँ पर भी दबना नहीं चाहिए, और इधर इधर ऐसा सब इधर चेक करना कर लो, और जब इधर थोड़ा सा ग्रीनिश रहता है थोड़ा सा पीछे तो मैंगो की टेस्ट थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, बस थोड़ा सा इसके जैसा ग्रीनिश रहना चाहिए। और ये देखो जब ये रहता है थोड़े थोड़े स्पॉट्स तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी आप खा सकते हैं, इस छोटे स्पॉट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस जो जो बड़े स्पॉट्स रहते हैं इसकी जैसे और जो नरम रहते बस वो कट कर कर खा लें। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो।